हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एसी टेक्निकल। दोस्तों, आप किसी भी कंपनी का एसी ले लीजिए, चाहे आप विंडो एसी लीजिए, चाहे आप स्प्लिट एसी लीजिए, आप महंगे से महंगा एसी ले लीजिए, सस्ते से सस्ता एसी ले लीजिए, अगर आपको दोस्तों एसी को यूज़ करना नहीं आता है तो आपका 3 स्टार एसी हो, 5 स्टार एसी हो, जितना मर्जी स्टार रेटिंग हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपको यूज़ करना नहीं आता है तो दोस्तों आपका बिजली का बिल 100% ज़्यादा ही आएगा। जी हाँ दोस्तों, 5 स्टार एसी लोगे तो भी बिल ज़्यादा आएगा, 3 स्टार लोगे तो भी बिल ज़्यादा आएगा, क्योंकि आपको एसी का यूज़ करना ही नहीं आता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, चाहे आप किसी भी कंपनी का एसी ले लीजिए, अगर आपको यूज़ करना आता है तो आपका बिल बहुत ही कम आएगा। आप आजमा के देख लेना, जिस तरह से मैं आज आपको बताने वाला हूँ उस तरह से आप एसी को यूज़ कीजिए, आपका 100% बिजली का बिल कम आएगा। सिस्टम होता है दोस्तों, हर चीज़ का सिस्टम होता है, उस चीज़ सिस्टम को फॉलो कीजिए, आपका बिल बिजली का 100% कम आएगा, आपके हज़ारों रुपए बचने वाले हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने एसी को यूज़ करना है, जिससे क्या है आपका बिजली का बिल कम आएगा और आपका एसी भी लॉन्ग टाइम चलेगा, लॉन्ग लाइफ चलेगा, आपके एसी में प्रॉब्लम भी कम आएंगी। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपका बिजली का बिल कम आए तो आज की पूरी वीडियो देख लो, समझ लो, अच्छी तरह जान। ये देखिए दोस्तों, आप किसी भी कंपनी का एसी लेंगे तो आपको साथ में एक रिमोट मिलने वाला है, वो रिमोट इसी तरह का होगा, 99% मतलब लुक में चेंज होगा, लेकिन इसके अंदर जो बटन देख रहे हो ना आप, जो फंक्शन देख रहे हो, वो 99% कॉमन ही होंगे। किसी भी कंपनी का एसी ले लीजिए, आपको 100% कॉमन ही मिलने वाले हैं। इसी रिमोट के अंदर छिपा हुआ है कि आपका बिजली का बिल कैसे कम आएगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको बता देता हूं कैसे आपका बिजली का बिल कम आ सकता है। ये देख रहे हैं दोस्तों, आप देख रहे हैं 24 डिग्री है, इसी चीज़ को आपने सेट करना है। कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप इधर लेफ्ट में देख पा रहे हैं, ऊपर ऑटो लिखा है, नीचे कूल लिखा है, उसके नीचे ड्राई लिखा है। आपने गर्मी के दिनों में एसी को चलाना है कूल पर। कूल पर चलाने से फ़ायदा ये हुआ, एसी कूलिंग करेगा, रेगुलर कूलिंग करेगा, अच्छी कूलिंग करेगा। दूसरा, जब भी आपने एसी को चलाना है कूल पे रखना है, फ़ैन की स्पीड आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, लो है या मीडियम है या हाई, आपके हिसाब से जितनी आपको चाहिए। उसके अलावा दोस्तों, आपने क्या करना है, इस टेम्परेचर को बढ़ाना है 26, 27, 28। दोस्तों, आप 27 या 28 पे आपने इस टेम्परेचर को रखना है, आपने 20 नहीं रखना, 21 नहीं रखना, 22 नहीं रखना, क्योंकि इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। बाहर का टेम्परेचर मान लीजिए 44, 45 है और आपने टेम्परेचर सेट कर दिया 28, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जैसे ही आपके रूम का टेम्परेचर 27 होगा, जैसे ही आपके रूम का टेम्परेचर 27 होगा, कंप्रेसर ऑटो मोड पे बंद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपके रूम के बाहर का, आपके रूम का जो टेम्परेचर था पहले वो 45 था, लेकिन आपका अब टेम्परेचर हो चुका है आपके रूम का 27, जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही सफिशिएंट है कूलिंग करने के लिए, ठंडा करने के लिए। आपको 27, 28 डिग्री पे आपका रूम हो चुका है, चिल्ड हो चुका है, पूरी कूलिंग हो चुकी है, उसके बाद आपका कंप्रेसर ऑटो मोड पर बंद हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपका कंप्रेसर बंद होगा, आपके रूम में कूलिंग भी होती रहेगी, और कंप्रेसर बंद होगा तो बिजली भी ऑटो मोड पे बचती रहेगी। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही कंप्रेसर बंद होगा तो बिजली का मीटर चलना, भागना बंद हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, जिससे क्या है आपके बिजली का बिल कम आना शुरू हो जाएगा। आप इसको रेगुलर ऐसे ही चलाइए, जिससे क्या होगा 27 के बाद टेम्परेचर कंप्रेसर ट्रिप होगा, उसके बाद दोबारा रीस्टार्ट होगा 2 मिनट बाद, फिर थोड़ी सी कूलिंग करेगा, फिर बंद होगा, फिर कूलिंग करेगा, फिर बंद होगा। उससे क्या होगा, आपका कंप्रेसर बार बार बंद होता रहेगा, जिससे क्या है आपके रूम में कूलिंग भी रहेगी और आपका बिजली का बिल भी बचता रहेगा। आप क्या करते हो, 20 पे लगा चला के छोड़ देते हो, तो भैया 20 का जब बाहर का टेम्परेचर 45 है तो आपके रूम का टेम्परेचर 20 नहीं आएगा, किसी हालत में नहीं आएगा, आप जितना मर्जी दम लगा लो, क्योंकि इतना वो क्या है, फिर रेगुलर कंप्रेसर चलता रहता है और उससे बिजली का बिल ज़्यादा
आता ही आता है। तो दोस्तों जब भी आपने एसी चलाना है 27-28 पे चलाइए, बिजली भी बचेगी, कंप्रेसर भी बार बार बंद होगा, बिजली भी बचेगी, कूलिंग भी होगी और आपके एसी की लाइफ भी बनी रहेगी, ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए आपका एसी चलता रहेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसी ही अपडेट ऐसी ही नॉलेज मैं आपको रेगुलर देता रहूँगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।